हम बात कर रहे हैं NBCC की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। स्टॉक ने गिरावट आई थी 140 के लेवल से रिजेक्शन लिया था, तो इस रिजेक्शन के साथ हम देख सकते हैं जो इसका सपोर्ट लेवल था, जहां सपोर्ट लेकर 140 तक के टारगेट दिखाए थे, इस सपोर्ट को क्या स्टॉक ने नीचे की ओर ब्रेकडाउन किया था? नहीं, ब्रेकडाउन स्टॉक ने नहीं किया, उसी सपोर्ट से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हो रहा है। और हम देख सकते हैं स्टॉक में लगातार हमको बाइंग देखने के लिए मिली है, और इस बाइंग के अकॉर्डिंग अगर यहाँ सेलिंग को देखा जाए तो क्या उतना बड़ा सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है? तो इसका भी आंसर है नो, उतना बड़ा सेलिंग हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा। स्टॉक ऊपर की ओर ही सस्टेन हो रहा है, मतलब बड़े पिलर्स यहाँ एग्जिट के लिए तैयार नहीं अब भी बने हुए, और स्टॉक अपने हाई के पास सस्टेन हो रहा है और अप ट्रेंड में स्टॉक। तो इसका क्या मतलब बनता है दोस्तों? इसका मतलब बनता है ब्रेकआउट, यहाँ से NBCC हमको और तेज़ी दिखा सकता है। बात करें सपोर्ट लेवल की तो 134 का जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 130 का लेवल, और स्टॉक जब तक 120 का जो लेवल है जहाँ से इससे पहले सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक NBCC में अपसाइड की उम्मीदें बनी हुई है। अब बात करें टारगेट की तो इमीडिएट टारगेट जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है 137.50 अपना पहला टारगेट रहेगा, इसको ब्रेकआउट कर गया तो अगला टारगेट 140, और इस बाउंस बैक के साथ हमको स्टॉक में 144-145 तक का जम देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने हमको रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई 145 का लेवल। ये तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, लेकिन इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। अगर 140 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो फिर अगला टारगेट 150, और इस बाउंस बैक के साथ 160 तक के टारगेट NBCC हमको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।